हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं एक क्विक रिव्यू करने जा रहा हूँ इस माउथ ऑर्गन का, जो आता है डॉल्फिन ब्रांड का। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देता हूँ। जब ये प्रोडक्ट मैंने अनबॉक्स किया था तो मेरे को इसमें ये आया था, ये इसका बॉक्स आया था, और इसके अंदर ये था। नॉर्मल सी पैकेजिंग थी और कुछ भी नहीं था इसमें। तो ये मैंने 300 समथिंग का लिया है। मैं प्राइस आपको एग्जैक्ट प्राइस देखकर वीडियो में बता दूंगा आपको प्राइस। तो आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप माउथ ऑर्गन सीखें या फिर आप माउथ ऑर्गन लेना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस ब्रांड को ना लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े क्वालिटी इश्यूज हैं और थोड़ा एक एक नोट में साउंड इशू भी इसमें आ रहा है। तो वो ये तो इसमें जो इशू आ रहा है वो ये है कि इसमें पास साउंड अच्छे से नहीं आता है। उसके लिए हमारे को बाकी नोट्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। बाकी नोट्स जैसे ही हम फूक मारेंगे तो मतलब नॉर्मल फूक मार के ही उससे साउंड आ रहा है, लेकिन एक नोट जो ये पा नोट है इसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल प्ले करती बार जब पा इसमें बजाना होता है ना, तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो जितनी मैं फोर्स बाकी नोट्स में लगाता हूँ उतनी उसमें लगाता हूँ, तो उससे साउंड नहीं आता है। तो ये इश्यूज मेरे को इसमें आया। और इसमें स्लाइडर भी नहीं है, जो स्लाइडर होता है वो भी इसमें है नहीं। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लेना चाहते हैं हारमोनिका माउथ ऑर्गन, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस ब्रांड का ना लें, कोई और अच्छे ब्रांड का देख कर ले। और आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रांडिंग भी मिट रही है, तो ये क्वालिटी इश्यूज इसमें थोड़े से हैं। देख सकते हैं आप, अभी से इसमें ब्रांडिंग मिट रही है। ज़्यादा टाइम में कुछ को लेके हुआ नहीं है, मैंने बस 20-25 दिन इसको लेकर हुए हैं, तो ये इश्यूज इसमें आ रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस वाले पर्टिकुलर हारमोनिका को ना लें। हो सकता है कि ये जो नोट वाला इशू है ये मेरे इस पर्टिकुलर पीस में है, बाकी में ना हो, लेकिन जितना मैंने इसको यूज़ किया उतना मैं यही बोल सकता हूँ कि एक इसमें ये इशू है और दूसरा इसमें क्वालिटी इशू। साफ दिख रहा है कि उतना अच्छा ब्रांड का ही है नहीं, और इसमें स्लाइडर भी नहीं है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्लाइडर वाला ही ले, जो आपको बाद में भी कुछ म्यूज़िक बजाने में, कुछ कुछ म्यूज़िक में वो काम आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो ही लें। तो बस आज के क्विक रिव्यू में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस आज की वीडियो में तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो दैट वाज सो बस आज के लिए इतना ही।